फर्स्ट ईयर जोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज निकालें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज जोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, ये मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर जोलॉजी के लिए आपके 10 ईयर से 2010 से लेकर 2019 तक कुछ एमसीक्यूज जो है, बल्कि कुछ नहीं, मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को इस तरह कंपाइल किया कि वो आपको उस चैप्टर को पढ़ने में आसानी जाएगी। मतलब आपको एमसीक्यूज प्रिपरेशन में ही आसानी हो जाएगी कि आप लोगों को पता होगा फिर कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, और उसमें से कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं ये भी बता दिए टोटल एमसीक्यूज में, ताकि फिर आपको इससे आसानी हो जाए। और प्लस मैं आपको बुक से भी टॉपिक्स बताता रहूंगा कि कौन से चैप्टर का कौन सा पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के अतबार से। तो पहले इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ बच्चों। फर्स्ट जूलॉजी में 2019 में अगर आप चेक करो ये चैप्टर वन, अच्छा आपको सबको बेटा ऑलमोस्ट जो है वो चैप्टर्स, तो उनके नाम तो याद है, मैं एक दफा बता देता हूँ, वो सब में सीक्वेंस वही रहेगा। चैप्टर वन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बेटा, फिर चैप्टर टू जो है आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर थ्री इंजाइम्स, चैप्टर सेवन किंगडम प्रोटोकिस्टा, यस किंगडम एनिमिडिया, चैप्टर 10, चैप्टर 12 न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। हाँ, तो इसमें अगर आप चेक करो बेटा 2019 के पेपर्स में चैप्टर वन से एक ही सवाल आया, एमसीक्यू नंबर है नंबर 5, और बस ये सीधे हाथ पे, तो उसकी उसकी सिर्फ टोटल एमसीक्यूज में सिर्फ कॉलम में आपको ये बताया गया कि कितने सवाल हैं, तो टोटल जो है वो पूरे 16 हो जाएंगे अगर आप इन सबको प्लस करते जाओ। सही है। अच्छा, चैप्टर टू से अगर आप देखो बेटा दो सवाल बने एमसीक्यू नंबर 11 और 14, चैप्टर थ्री से दो सवाल बने, चैप्टर सेवन से कोई सवाल नहीं बना, चैप्टर 10 से चार सवाल बने, चैप्टर 12 से तीन सवाल बने, चैप्टर 13 से दो सवाल बने और चैप्टर 14 से दो सवाल। ठीक है, तो ये है आपके हिसाब से। मतलब अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। सबसे ज्यादा जो है इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जूलॉजी में, फर्स्ट ईयर जूलॉजी में एज फार एज एमसीक्यूज इज कंसर्न, तो उसमें आपके पास चैप्टर 10, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14। सही है, ये तीन चैप्टर्स मैं दोबारा बता देता हूँ, 10, 12, 14। सही, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर बताया। ईयर जो है इंपॉर्टेंट ईयर्स वो मैं आपको वीडियो के एंड में भी बता दूंगा, प्लस ये है कि आप उसमें से कर लो इनशाला, जरूर अच्छा पेपर हो जाएगा एमसीक्यूज के अतबार से। गेस्ट पेपर की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, 2018 में भी अगर आप चेक कर लो। ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा वीडियो को लंबा करके। चैप्टर 10 जो है इसमें आप चेक कर लो, चार सवाल बने। ठीक है, इसका सॉरी मैं कॉलम जरा सही करना भूल गया, उसको मैं सही अपडेट कर देता हूँ। चैप्टर 13 में से दो सवाल, चैप्टर 14 में से तीन सवाल, तो आप चेक कर सकते हो बेटा सारे ईयर्स में सबसे ज्यादा जो सवाल बन रहे हैं, मतलब चैप्टर 10 जो है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 में से अगर आप 2017 में चेक करो बेटा, चार सवाल बने। सही है, अगर आप 2016 चेक करो तो भाई चैप्टर 10 जो है वो तो बाजी ले गया, इसमें नंबर ऑफ सवाल जो है वो 10 एमसीक्यूज है यार। तो मतलब अगर आप 16 में अगर आप वो करो उसका ब्रेकअप, तो 10 तो सिर्फ चैप्टर 10 जो है वो 10 सवाल तो एमसीक्यूज तो ये ले गया, बाकी बचे ये सब तो आप टोटल कर लो, दैट विल मेक अप 16। तो ये चीज है, अगर आप चेक करो 2016 जो है वो चैप्टर 10 के अतबार से इम्पोर्टेंट है। सही, अच्छा 2015 में भी चैप्टर 10 में से सात सवाल बने, चैप्टर 13 और 14 में देखा गया कि चार चार सवाल बने गए, तो उसमें भी चैप्टर 10 ऑलमोस्ट सब में ही विनर है, सब में ही है। चैप्टर 10 जो है वो 2013 में इसमें से आठ सवाल बने, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो बने वो आपके चैप्टर 13 से बने, गैसेस एक्सचेंज। सही, चैप्टर सॉरी ईयर 2012 में 14 और 10 बिल्कुल सेम सेम, पांच पांच सवाल बने, उसके बाद चैप्टर 12 चार सवाल। 2011 में बेटा येट अगेन चैप्टर 10 सेवन क्वेश्चंस एमसीक्यू इसके, और उसके बाद जो है आपके पास सेकंड नंबर पे चैप्टर 14 चार सवाल बने। सही, उसके बाद बस ये लास्ट है 2010 में आपके पास पांच सवाल बने 10 से, और 12 से बने छह सवाल। तो फाइनली चैप्टर 10 को सिर्फ एक दफा हराया गया, और वो है 2010, और उस जिस चैप्टर ने इसको हराया नंबर ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के एतबार से वो है चैप्टर 12। तो ये चीज है बच्चों। अब आ जाओ कि सर इनमें से कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं, मैं अब आपको बुक का पीडीएफ से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें सीन है। आप लोग कोशिश करके अपने पास जरा बुक्स ओपन कर लेना बेटा, ये बुक का पेज नंबर 3 है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें से सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
सही ब्रांचेस वाला पेज पढ़ लेना, जिस पेज को मैं मतलब ये टिक करूँ वो पूरा पेज पढ़ लेना, सही। उसके बाद फिर इस पेज से एस सच कुछ है नहीं, चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर आपके 5 से। चैप्टर 6 जो है आपके पास अल्लाह भला करे, यस इसको पढ़ लेना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में जो है वो एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये वाला पेज एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और आपके पास ये क्लोनिंग वाला, सही है, ये टॉपिक मतलब पूरा। उसके बाद अब आ जाओ आप चैप्टर नंबर 2। ऑफकोर्स ये बुक की एक्सरसाइज तो जरूरी है सॉल्व करना, वो मैंने क्लास में करवाई भी थी। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बेटा ये वाला लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद जो है बॉडी की प्रॉपर्टीज वाला पेज, बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अतबार से भी है। इसमें एक ये वाला एमसीक्यू के अतबार से कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस दोनों डायग्राम्स, सही। टॉपिक कार्बन वाला, ये पेज भी पढ़ लोगे तो काफी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। टेट्रावेलेंट वगैरह ये सब हो गया, स्ट्रक्चर्स इतने जरूरी नहीं है। प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड वाला ये पूरा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में ये टॉपिक पढ़ के इन ये चारों डायग्राम्स की प्रैक्टिस मैं इस पेज पे वो कर देता हूँ टिक, सही। सब मैं आपको एमसीक्यू उसके लिए बता रहा हूँ, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेक्राइड्स, सही, ये जरा चार्ट देख लेना। उसके बाद फिर सॉरी मेरे पास ये पीडीएफ में 2-3 पेजेस मिसिंग है, आपके पास जो बुक होगी उसमें मैं आपको पेज बता देता हूँ। बुक का जो पेज है अल्लाह भला करे वो 27, 28, 29 एस सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसी पर ही आ जाते हैं हम लोग। फैट्स वाले पेज, यस ये वाला पेज नंबर 30 पूरा। उसके बाद आपका ये वाला स्टीरॉइड्स पढ़ लेना, इसका ये स्ट्रक्चर, सही। उसके बाद बच्चों न्यूक्लिक एसिड में, हाँ ये वाला पेज यानी कि न्यूक्लिक एसिड, यहाँ से आप डीएनए और आरएनए, देखो इसमें मेरे पास थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है इसके लिए माजरा, डीएनए और आरएनए का बस ये फर्क, चैप्टर नंबर 2 डन है। और बल्कि एक टॉपिक और एहतियातन, वो है आपके पास लास्ट वाला कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पढ़ के आपका एमसीक्यूज यहाँ तक डन हो गए। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाओ, एंजाइम्स, मेरे पास एग्जाम्स का थोड़ा सा पीडीएफ में है। एग्जाम्स में बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जाम्स पेज नंबर 43, सही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज नंबर आपके पास 43, ये पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जाम्स, मोड ऑफ एग्जाम में बस इनके साइंटिस्ट के नाम याद रखना, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एग्जाम, सही। तो ये आपका पूरा चैप्टर डन हो गया, चैप्टर नंबर 3 के बाद। अब आपके पास 4 और 5, 6 ये सब बॉटनी था, तो अब जो आप स्किप करते हुए सबको, हम तो अपने जंप मारी चैप्टर 7, सही। अब आप चैप्टर नंबर 7 पर आ जाओ, ये वाला बेटा चैप्टर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, और ये आपके पास है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 से स्टार्ट होता है बेटा ये, पेज नंबर 117 ऐसा जरूरी नहीं। इसमें बस ये एनिमल लाइक जो प्रोटोक्टिस्ट है ये पेज कर लेना बेटा, सही है, मतलब ये टॉपिक कर लेना एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट का, ओके। इसी काफी हो जाएगा इसके लिए चैप्टर 7 में से। चैप्टर 8 बॉटनी, चैप्टर 9 बॉटनी, चैप्टर 10, अब आ जाओ जरा चैप्टर नंबर 10 पे, किंगडम एनिमेलिया, थोड़ा सा नीचे आ पाए इसमें, यस। किंगडम एनिमेलिया जो है बेटा उसका फर्स्ट पेज, नहीं ये एहतियात है मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कर देता हूँ सही नंबर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज डेवलपमेंटल पैटर्न्स में ये वाला, ये लाइन ये पूरी बुक की, एन एनिमल स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ जायगोट, सही जी, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आपके पास यस ये वाला जो पेज है सिमेट्री से पहले, हाँ ये पेज नंबर 194 पढ़ लेना बेटा, पेज नंबर 195 पढ़ लेना एग्जाम्पल्स के साथ, सिलोम सिमेट्री,
ब्लास्टोपोर, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स, फाइलम पॉलीफेरा के हिसाब से बेटा ये वाला पेज पेज नंबर आपके पास है 197, किलाल सिस्टम। फाइलम नेडेरिया में, फाइलम नेडेरिया में आपको पेज नंबर 200 200 और आपके पास 201 पॉलीमॉर्फिज्म, सही। उसके बाद आपके पास हाँ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस में ये प्रोटोनेफ्रिडियस का बहुत दफा आ चुका है, एस्केटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैटफॉर्म्स या प्लेटिहेलमिन्थेस और उसकी पैरासिटिक अडेप्टेशंस भी, सही है। क्लासेस शॉर्ट के अतबार से भी है और एमसीक्यू के अतबार से भी। फाइलम नेमेटाहेलमिन्थेस में सच कुछ है नहीं, बस ये वाला पेज जहाँ पे ये एस्केरिस का जिक्र है और वो चीर एरिया है और आपके पास है एनक्लास्टोमा, ये पेज पूरा पेज नंबर 205। उसके बाद आपके पास फाइलम एनिडिडा का बेटा ये वाला पेज यहां से लेके यहां तक काफी है, और क्लास हिरोडेनिया सिर्फ यहां तक, सही जी। उसके बाद बच्चों फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का का गैस्ट्रोपोडा काफी है एमसीक्यू उसके लिए, इसमें ये वाला मैकेनिज्म टॉर्जन, सही है। उसके बाद आपके पास ये बॉक्स भी तो वैसे भी आप सबको पता है, सॉरी सॉरी ये बॉक्स कैसा हो गया, सही स्क्विड्स वाला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बिल्कुल। फाइलम आर्थ्रोपोडा का बेटा ये फर्स्ट पैराग्राफ बच्चों, सही। मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट और कंप्लीट की एग्जांपल्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपॉड्स जो इत्तेफाक से शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। उसके बाद फिर आपके पास ये क्लास इंसेक्टा पूरा ये आप पढ़ लो अतियातन यहां तक, सही। क्लास इंसेक्टा हो गया। उसके बाद फाइलम इकिनोडर्मेटा या काइनोडर्मेटा जो है बस इसकी एग्जांपल्स ये वाला पेज 218 पे, सही यहां तक। और एक चीज और इसमें, बल्कि ये दो पेज कर लो, एडल इकिनोडर्म्स क्योंकि इसमें इसका जिक्र आ रहा है वॉटिवेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद फिर आपका अल्लाह भला करे फाइलम कॉर्डेटा, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी से बनते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में बेटा ट्यूनिकेटा पढ़ लेना, सही है, ट्यूनिकेट्स वाला पेज नंबर 220 पे। उसके बाद फिर 221 पे एग्नेथा, ये पूरा पैराग्राफ हैगफिश लैम्प्रे, सही। स्टडी ऑफ फिशेस सुपर क्लास पाइसेस की ये दो लाइंस, सॉरी अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ बेटा सॉरी इसके लिए। उसके बाद फिर क्लास कॉन्ड्रीथाइस, उसके बाद ऑस्टिथाइस, ये दोनों पैराग्राफ्स, सही। ये पूरा पेज चारों डायग्राम्स, एडिबल फिशेज ऑफ पाकिस्तान एमसीक्यूज के लिए कह रहा हूँ, डिपनॉय लंग फिशेज जो है वो भी एमसीक्यूज के, मतलब ये सब एमसीक्यूज का ही है। आपको इसके लिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये सब शॉर्ट में भी आते हैं राइट। उस हिसाब से क्लास एम्फीबिया में बेटा आपको इसकी एग्जाम्पल्स, ऑरिजिन ऑफ एम्फीबिया में इस का जिक्र, रिपिडिस्टियन, और रेप्टिलिया में ये वाला पैराग्राफ, ब्रोंटोसोर्स वाला सॉरी पास्ट हिस्ट्री वाला पूरा, सही। और ये एमनियोटा कौन से होते हैं और एन एमनियोटा, पेज नंबर है बच्चों 227, सही। और रेप्टिलिया में स्फिनोडॉन का जिक्र, ग्रीन टर्टल का साइंटिफिक नाम, क्लिनमिडास, वेनम, पॉइजन, शार्प एंड कर्व टीथ ऑफ स्नेक्स, फैंग्स, सही। तो ये पेज आपका हो गया बच्चा 228। उसके बाद एव्स यस बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, काफी है ये पेज। और वेटिटी कैरेनिटी जो है नहीं अभी नहीं इसमें, हाँ ये बहुत दफा आ चुका है आर्चियोप्टेरिक्स वाला, सही। क्लास मेमिलिया में बच्चों
ये वाला पैराग्राफ। फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हेयर्स ऑन द स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड मैमल्स के। उसके अलावा जो है ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है सीयर के लिए भी। उसके बाद फिर प्रोटोथीरियंस की एग्जाम्पल यहाँ पे तीन लिखी हुई है, एकिडना, स्पाइनिया एंटीटर एंड द गिल प्लेटिपस। सही, तो ये आपका फाइलम कॉर्डेटा हो गया, डन। सही, अब आ जाओ चैप्टर 12 न्यूट्रिशन पे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रिशन चैप्टर में आपके पास यहां से स्टार्ट है, काफी है। ये है पेज नंबर आपका 284। पेज नंबर 284 में ये याद होगा, मैंने क्लास में सबकी डेफिनेशंस करवाई थी। हीटर ट्रॉफ्स कौन होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक। 284 से लेके उसके बाद फिर डेट्रिटिवोर्स, उसकी एग्जाम्पल पेरिडेटर्स, एग्जाम्पल्स हर चीज की, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, सब हो गया। फिल्टर फीडर्स, फ्लूइड फीडर्स, माइक्रोफेगस फीडर्स, मैक्रोफेगस फीडर्स। सही, उसके बाद फिर इंजेशन की टाइप्स, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। एक है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर, ये वाला पैराग्राफ। इंट्रा सेलुलर, मैकेनिकल, केमिकल। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो निमट जाएंगे एमसीक्यू। सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कितनी ओपनिंग्स हैं, इनकी एग्जाम्पल्स। सही है, पेज नंबर आपके पास ये था 286 और 287। उसके बाद और इस चैप्टर और पेज में और कुछ नहीं है। उसके बाद अमीबा में, न्यूट्रिशन एंड अमीबा में ये दो लाइंस और आपके पास ही फूड वैक्यूल। सही है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद फिर हाइड्रा में सच ये नहीं दिया, हाइड्रा। कॉकरोच में ये आपके पास, कॉकरोच में नहीं, काफी है। उसके बाद फिर ह्यूमिड डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास आ गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हाँ, ये पढ़ लो एक पैराग्राफ। सही, टीथ का ये पूरा फॉर्मूला। सही सही है, प्लाक एंड डेंटल डिजीजेस पढ़ लेना बेटा, ये पूरा पैराग्राफ यहां से लेके यहां तक फॉर एमसीक्यूज। उसके बाद फिर सलाइवा वाला पैराग्राफ पढ़ लो आप यहाँ तक, सिर्फ दो लाइंस। तीन ग्लैंड्स के नाम आपको याद है। सही, और आपके पास जो है स्टमक वाला पैराग्राफ पढ़ लेना फॉर एमसीक्यूज। सही, रेनिन वाला पढ़ लो। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी बस डायमेंशंस वगैरह थ्योरी के अलावा काफी है। फिर वो ये जो आपके पास 297 पेज है। सही, और आपके पास जिजिनम की लेंथ 2.4 मीटर्स, 298 पेज। फिर उसके बाद फिर इलियम 3.6 मीटर्स लॉन्ग। सही है, मेरी मानो तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना, ये एब्जॉर्प्शन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला बॉक्स भी लार्ज इंटेस्टीन में इसकी जो डाई इसका जो डायमीटर है 6.5 सेंटीमीटर, ये और सच ये लिवर, लिवर का ये पूरा पैराग्राफ है बेटा, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सही, तो ये आपका चैप्टर 13 बस एंड होने वाला है। जीआईटी डिसऑर्डर्स आई वुड, जब आपने इसका लॉन्ग सवाल याद किया तो इसके एमसीक्यू आराम से हो जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, डायरिया, डायसेंट्री, ये वाला पूरा पैराग्राफ। सही, और इसके बाद फिर पाइल्स, डिस्पेप्सिया और लास्ट वाली एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। सही, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ये एग्जाम्पल्स ऑफ सम एंडो पैरासाइट्स, जिसका मैंने असाइनमेंट भी दिया था क्लास में, तो आप ये पूरा कर लेना पैराग्राफ फॉर
मतलब कर लेना से मतलब यह है कि इसको 2-3 दफा अच्छे से देख भी लोगे तो बेटा याद रहेगा, रटने को थोड़ी कह रहा हूँ। एमसीक्यूज अगर सारे के सारे अच्छे हो गए तो क्या बुरा है। अच्छा अब आ जाओ चैप्टर 13 गैसेस एक्सचेंज में, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाए। इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच से अगर मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि एक मिनट जरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच से पहले और सच कुछ इम्पोर्टेंट जो है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा, नहीं बेटा अर्थवॉर्म इतना नहीं है। कॉकरोच से अगर मैं ये स्टार्ट करूं तो इसका ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। पेज बता देता हूँ आपको, पेज नंबर है आपके पास 314, 314 पेज पे आपके पास ये है। सही है, फिशेस का ये डायग्राम काफी है। फ्रॉग नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड एहतियात में कर लेना, 316 पेज पे होगा, पैरा ब्रोंका है। सही है, अब आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन में ये पूरा पैराग्राफ है बेटा। सही, पेज नंबर 317 पे। उसके बाद आपके पास ट्रैकिया में वाले सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स। सही बात हो रही है ट्रैकिया की, जिसका एक और नाम है फ्लेक्सिबल एयर डक्ट। और आपके पास ये 319 पेज पे एक बॉक्स गिवन है ये चीज। सही, और जो मैंने इसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज जो देखे, मैं आपको बताता हूँ बच्चों वो कहाँ से देखे। वो जो मैंने सबसे ज्यादा एमसीक्यूज देखे वो मतलब इस चैप्टर में लंग कैंसर से काफी बने हुए। सही, पेज नंबर आपके पास होगा 321, और सब उससे भी ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इम्फाइसीमा ये वाले जो लंग पल्मोनरी डिसऑर्डर्स है, ये तीन तो घोल के पी जाओ, टीबी, एस्थेमा और इम्फाइसीमा। यहाँ से स्टार्ट करो मैं, देखो यहाँ पे एंड कर दिए। सही, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन मेन में ये वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, लंग कैपेसिटीज वाला पूरा पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही, ये वाली लाइन फर्स्ट सेंटेंस जो बहुत दफा आता है। हीमोग्लोबिन का ये पूरा पैराग्राफ है बेटा, ये पूरा बॉक्स है। अब आ जाओ मायोग्लोबिन भी पूरा, मायोग्लोबिन में सॉरी ये दो लाइंस। सही, तो ये आपके पास हो गया। और इसमें चैप्टर 14 पे आप आते हैं, चैप्टर 14 का जोलॉजी पार्ट। चैप्टर 14 का जोलॉजी पार्ट बच्चों स्टार्ट होता है 345, चैप्टर 14 का नाम है ट्रांसपोर्ट। 345 में सच नहीं है, प्लेन एरिया एस सच नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम में बस ये वाला पैराग्राफ काफी है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पेज नंबर है आपके पास 347। सही, और आपके पास सिंगल सर्किट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट। सही, ये पूरा बॉक्स, द हार्ट ऑफ फिश नेवर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 350 में। उसके बाद फिर 351 में, बल्कि 350 में ही एक बॉक्स गिवन होना चाहिए, यस, क्रोकोडाइल वाला, ये काफी है। डबल सर्किट कम इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लान, और ये वाला जो पेज है वो कंप्लीट डबल सर्किट है, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सही, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट ऑफ फिशेस, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स में, इन फिशेस द हार्ट इज एच एस शेप्ड। सही, इन एम्फीबियंस ट्राई चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स ट्राई चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल्स में ही कंप्लीट है। बर्ड्स एंड मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट है। सही, ये वाला पेज ट्रांसपोर्ट इन मैन का, ये पूरा पेज। सही, ये वाला पूरा पेज फंक्शंस ऑफ ब्लड पूरे यहां तक। सही, इसमें प्लेटलेट काउंट पता होना चाहिए और एटलीस्ट आरबीसी काउंट, बाकी इतना मसला नहीं। डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी और प्लेटलेट्स कर लो। ल्यूकीमिया वाला पूरा, सॉरी ल्यूकीमिया वाला पूरा। सही है, उसके बाद है थैलेसीमिया का सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद फिर ह्यूमन हार्ट में कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल का ये
पैरा सही, उसके बाद फिर 357, 357 में ये द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टेमिक सर्किट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। सही, उसके बाद फिर हार्ट बीट्स, बिल्कुल हार्ट बीट, हार्ट बीट वाला पूरा कर लो पैराग्राफ यहाँ से लेके ये पूरा, तो इसमें से 72 टाइम्स पर मिनट हो गया ह्यूमन नॉर्मल हार्ट बीट्स। सही, उसके बाद फिर लब भी है और डप भी है, लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, डप हिसिंग साउंड का भी जिक्र है, और ये कौन सा ऑर्गन है जो बिफोर द बर्थ स्टार्ट बीटिंग और नेवर स्टॉप से टिल डेथ, हार्ट हो गया। ऐसे नोट का आपको पता है नेचुरल पेस मेकर कहलाता है, तो ये पूरा ही पढ़ लोगे तो काफी है, बल्कि बस ये कर लो, मैं इसको यहां से हटा देता हूँ। टॉपिक यही है, पैराग्राफ पेस मेकर वाला है। सही, उसके बाद फिर आपके पास ए बी नोड में ये वाला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन, देर इज अ डिले से लेके पूरा बिगिन तक 0.5 सेकेंड्स। सही, ब्लू बेबीज पढ़ लेना आता है इससे बेटा, पूरा पूरा ब्लू बेबीज पूरा है। ब्लड वेसल्स, यस ब्लड वेसल से भी आते हैं, आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज, या सॉरी आर्टरीज कैपिलरीज वेन्स, तीनों कर लेना। डायमीटर्स भी देखो सबके होने चाहिए, जितने के भी गिवन है चलो, वरना तो एप्टीट्यूड में डिटेल में पढ़ा देते हैं। आर्टरीज में बस कैपिलरीज का ही तो आसान हो गया, फिर एमसीक्यू उसका कोई टेंशन ही नहीं है। आपको पता किसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसका कम है, ये वाली डायग्राम कर लेना, इसमें थोरोफेयर चैनल भी गिवन है, ये सब पूरा। ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं करना, ब्लड प्रेशर में नॉर्मल कितना होता है और उसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। सही, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी मेजर किया जाते हैं यूनिट्स में, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग मी मैनोमीटर। सही, स्फिग मो मैनोमीटर, सॉरी। उसके बाद फिर आपका लबला करें, ये आपके पास नॉर्मल हो गया ब्लड प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास, लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास ये वाला पैराग्राफ है बेटा, पेज नंबर 362 का लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से लेके आपके 363 के यहाँ तक, ये सेल्स तक। ठीक है जी, और आपके पास इसके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में बेटा हाइपरटेंशन कर लेना, टॉपिक को अंडरलाइन कर दूं, सॉरी हाईलाइट कर देता हूँ उसको, मैंने टिक कर दिया। सही, और इसके बाद आपके पास ये स्ट्रोक एंड हेमरेज, हेमरेज में ये पूरा द मैसिव एक्यूमुलेशन। सही है, ये चीज आपके पास हो गई है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में बच्चों, इम्यून सिस्टम में बच्चों इन्फ्लेमेशन पढ़ लेना, फीवर, एक सेकंड टॉपिक को अंडरलाइन कर दो जरा। सही है, ये हो गया अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आपके पास है, ये पेज नंबर 369 पूरा है, ह्यूमोरल सब इसमें, सब सब सही है, 370 पूरा है, और उसके बाद 371 पूरा। तो ये आपके जो पेजेस हैं इनको अगर आप अच्छे से कर लोगे बच्चों, इनशाला अच्छी तैयारी हो जाएगी। सही, और अब मैं आपको ईयर्स बता देता हूँ, ईयर्स में आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, वही देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स में यहां से स्टार्ट करता हूँ, 2010 से बेटा, 2010 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, उसके बाद 2011, 2013, 2015, 2016। सही है, ये ईयर्स आप कर लोगे इंशाल्लाह, एमसीक्यू उसके लिए बिल्कुल टारगेटेड बता दिए, जरूर अच्छा पेपर होगा। सबको बहुत सारी दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला तुम सबको बहुत कामयाब रखे, और तुम सब बहुत कामयाब हो, तुम सबके नसीब अच्छे करे अल्लाह, अच्छे से पेपर देना, जम के पेपर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।